है आपका सीटीडी न्यूज में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पिछले 48 घंटों में हुई भारी बारिश के चलते भूखलन की घटनाएं सामने आई हैं। शनिवार को केदारनाथ हाईवे पर भूखलन की वजह से कई स्थानों पर मलबा सड़क पर आने से यातायात बाधित हो गया है। वहीं केदारनाथ हाईवे किनारे फाटा में स्थित एक सरकारी इमारत का आधा से ज्यादा हिस्सा भूखलन की चपेट में आ गया। भूखलन की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाली इस क्षेत्र में पिछले कई घंटों से हुई लगातार बारिश के चलते भूखलन होने से स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस क्षेत्र में बारिश दोबारा होने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से शनिवार सुबह से जगह जगह पर जाम लगा हुआ है। रुद्रप्रयाग के पास हाईवे पर भारी भरकम पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है। इसे दोनों ओर से जेसीबी मशीन साफ कर रही है। इसके अलावा फाटा सहित अन्य स्थानों पर भी हाईवे बंद चल रहा है। केदारनाथ हाईवे के नेल में भारी मलबा आने से दोनों ओर से लोग फंसे हुए हैं। आज सुबह नेशनल हाईवे के 5 बजे बंद होने के बाद राजमार्ग पर आए मलबे को हटाने का काम 9 बजे शुरू किया गया और कहा जा रहा है कि राजमार्ग आज शाम तक नहीं खुल पाएगा। वहीं दूसरी ओर पहाड़ में बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के बेलनी में पुस्ता ढहने से एक दर्जन मकानों को खतरा बना हुआ है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से तिरपाल डालकर लोगों की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर मलबा की सफाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदाकिनी नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। ऐसी स्थिति मानसून के जुलाई और अगस्त के महीने में देखने को मिलती है, लेकिन लगातार भारी बारिश के कारण जुलाई अगस्त से भी बुरी स्थिति हो चुकी है। गौरतलब है कि चंद्रापुरी में मंदाकिनी नदी में रेत लेने गया एक पिकअप वाहन नदी में समा गया। इसके अलावा एक पॉकलैंड मशीन भी नदी के बीच में फंसी हुई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़ और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।